हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वंदना मालविया और वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं हम टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के दो वीडियोस पहले भी अपलोड हो चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूलाज से डिस्कस किए हैं वीडियोस में। आप वो वीडियोस जरूर जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अजय बोरोड रुपी 2500 फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम आनंद। हाउ मच इंटरेस्ट विल आनंद अर्न एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। अजय बोरोड रुपी 2500 फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम आनंद। हाउ मच इंटरेस्ट विल आनंद अर्न एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। 5 ईयर के बाद आनंद ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, ये पूछा गया है। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर। पी आपको दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट 2500, टाइम आपको 5 ईयर बता रखा है और रेट आपको गिवन है 6% है, तो 6 है ना, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। सिंप्लीफाई किया आपने और पी 20 से 20 हम कैंसिल कर देते हैं, 6 5 30 और 25 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 750 रुपीज। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, सारे ही आपको पीटीआर गिवन है, तीनों फॉर्मूले में पुट किया, आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टुक अ लोन और एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ए ने लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% और सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ही रिटर्न द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स। इफ ही रिटर्न रुपी 3500, वॉट वॉज द प्रिंसिपल दैट ए हैड बोरोड। 10% इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट कैसा लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया, 4 ईयर के बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिटर्न किया, रिटर्न जो अमाउंट है वो 3500 है, इसका मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिला के कितना ही है, 3500। व्हाट वाज द प्रिंसिपल दैट ए हैड बोरोड, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा गया है। आप देखिए दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सम 3500। यहां से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो वो कितना हो जाएगा, 3500 माइनस पी हो जाएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3500 माइनस पी। अब सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 के बराबर होता है। आपके पास देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, टाइम बता रखा है 4 ईयर्स, पी अननोन हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट की जगह यहां पर हमने कितना पुट कर दिया, 3500 माइनस पी, तो पूरी इक्वेशन पी में बन गई। इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है आपको, ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, ये 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 35000 माइनस 10p इक्वल टू 4p, 10 को राइट साइड शिफ्ट किया 14p हो जाएगा, इक्वेशन बनी 14p इक्वल टू 35000। और p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 35000 को 14 से डिवाइड कर दें और आपके पास कितना आ जाएगा, 2500 रुपीज। तो प्रिंसिपल अमाउंट 2500 है, ए ने लोन लिया 10% पर, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट रिटर्न किया वो 3500 है और कितने टाइम बाद, 4 ईयर के बाद, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछ लिया था। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का सम गिवन है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3500 माइनस पी, और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। इक्वेशन बनाई, पी अननोन है, पी के लिए जब सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 2500 रुपीज। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम
will a sum of money be multiplied 4 times at simple interest of 9% per annum? Time पूछा है कितने time में sum of money 4 time हो जाएगी? Sum of money be multiplied 4 times at simple interest of 9% per annum. Principal amount और interest को अगर add करें तो वो कितना हो रहा है principal amount का 4 times? ये दिया हुआ है. Principal amount और interest का sum कितना हो जाएगा? 4 times principal amount के दिया हुआ ना multiplied 4 times. तो यहां से अगर आप interest के बात करें तो कितना हो जाएगा? ये p subtract कर दें. इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 3 टाइम्स. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का p into t into r upon 100. तो ये 3p को इक्वल कर दिया हमने p into t और मल्टीप्लाइड बाय r. r कितना दिया हुआ है 9%. यहां पे पुट कर दिया. ये p से p कैंसिल हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना, p से p कैंसिल हो जाएगा और 3 तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 3 दैट इज 33 1 बाय 3 इयर्स. तो ध्यान रखना क्वेश्चन दिया इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी बी मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट. तो हमने देख लिया कि दिया हुआ है कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का सम प्रिंसिपल अमाउंट का 4 टाइम्स. तो यहां से आपके पास i आ गया. i मींस इंटरेस्ट और कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p into t into r upon 100. यहां से अननोन आपके पास p कैंसिल होते ही t रहा, t कैलकुलेट करना था, आ गया 33 1 by 3 इयर्स. क्लियर है? तो इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप. व्हाट अमाउंट शुड आई पे आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ टू डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ 5300 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. कितना अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा कितने टाइम के बाद? अ ईयर एंड अ हाफ, 1.5 ईयर के बाद. टू डिस्चार्ज अ डेप्थ ऑफ 5300 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है. तो अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर हमें पता है, टाइम 1.5 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और आपको ये भी दे रखा है अमाउंट. सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया हमने p into t into r upon 100. यहां देखिए 1.5 को 3/2 लिख दिया ना, 1.5 ईयर है तो 3/2, 4 रेट दे ही रखी है, 5300 आपको अमाउंट दे रखा है. सिंपल इंटरेस्ट आ गया 318 रुपीस. अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया तो कितना अमाउंट देना रहेगा? आप क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही होता है और साथ में इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया? 5300 प्लस 318, 5618 रुपीस. इतना अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा 1.5 ईयर के बाद 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट थी. और वो इंटरेस्ट रेट कैसी थी? सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करते हैं यहां पर. नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट से आगे हम चलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, देन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की मिक्स प्रॉब्लम जिसमें दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, तो कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके फास्ट कैलकुलेट करके हम रिजल्ट लेके आते हैं, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.